नमस्ते दोस्तों, जय आरसीएम। मैं मनीषा प्रसाद वेस्ट बंगाल कोलकाता से आज आपके समस्या को दूर करने के लिए आई हूँ। जी हाँ, कौन सी समस्या? तो हेयर फॉल की समस्या, जो आम है, हर लोगों को होती है। हर लोग परेशान होते हैं, वो यही बोलते हैं कि मेरे हेयर में प्रॉब्लम है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मेरा हेयर ड्राई हो जा रहा है, मेरे हेयर में डैंड्रफ आ रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम आम है और होने भी है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हेयर फॉल के कारण के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों होता है हेयर फॉल। हेयर फॉल होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से हमारे स्ट्रेस लेवल को अगर हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हेयर फॉल होता है। आप सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसके कारण से आपका हेयर फॉल होता है, या फिर आपने ऐसा कुछ यूज़ कर लिया है जो कि आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ओवर केमिकली ट्रीटेड प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ कर लिया है, उसकी वजह से आप हेयर में कलर कर रहे हो और सही कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से भी आपके हेयर फॉल होते हैं। और नॉर्मली हेयर कट नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से हेयर फॉल होते हैं। तो हम बात करेंगे आज हमारे हेयर में शैम्पू का क्या रोल होता है। अगर हमारा हेयर फॉल होता है तो क्या उसे हम शैम्पू से ठीक कर सकते हैं, और अगर शैम्पू भी यूज़ करते हैं तो कैसा शैम्पू होना चाहिए, कौन से शैम्पू हमारे हेयर के लिए सूटेबल होता है जो हमारे स्कैल्प को क्लीन करे और साथ साथ हमारे हेयर के मॉइस्चर को भी कंटेन करके रखे, हमारे हेयर को ड्राई नहीं होने दे। तो आज मैं आप लोगों के सामने ले करके आई हूँ मोरिंगा का शैम्पू। देखिए, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है मोरिंगा का शैम्पू। ये शैम्पू बहुत ही बेहतरीन शैम्पू है और ये ऐसा बनाया गया है कि इसे हर कोई यूज कर सकता है। इस शैम्पू की खास बात यह है कि ये आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करती है, जिससे कि एक्सेसिव ऑयल को ये रिमूव करता है, गंदगी को अच्छे से क्लीन करता है। साथ ही ये आपके हेयर के मॉइस्चर को बरकरार करेगा, यानी कि आपके हेयर जो है वो काफ़ी स्मूथ रहेंगे, सिल्की रहेंगे, शाइन रहेंगे, जिससे कि आपका हेयर डैमेज नहीं होगा। आपके हेयर में जितने सारे प्रॉब्लम हैं वो सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। मार्केट में हम जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं आमतौर पर, उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है जो कि हमारे हेयर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, जिसकी वजह से भी हमारे हेयर जो है वो फॉल होते हैं। अब इसमें क्या खास बात है कि इसमें बाहर के कोई भी एक्स्ट्रा ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो। ये देखिए, आप पीछे में ये देख पाएंगे कि ये सल्फेट फ्री है, इसमें किसी भी तरह का सल्फेट नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें सिलिकॉन भी नहीं है, तो ये आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। साथ में ये मोरिंगा शैम्पू जो है व्योमिनी का, इसमें डाला गया है मोरिंगा यानी कि सहजन, जो कि हमारे पूरे बॉडी के लिए तो अच्छा है, और उसको हम अगर शैम्पू के तौर पर हम यूज़ करते हैं, शैम्पू के साथ में यूज़ करते हैं, तो ये हमारे हेयर को और भी अच्छा रखता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे हेयर में पहुंचता है, जिससे कि हमारा हेयर काफ़ी स्मूथ, शाइनी एंड सिल्की होता है। आपका हेयर अगर 10 से 15 बार रोज गिरते हैं तो ये आम बात है, ये हेयर के साइकिल के अंडर में आता है। लेकिन अगर आपके हेयर 15, 20, 25, 30 या उससे ज़्यादा गिर रहे हैं तो सच में आपको ज़रूरत है कुछ चेंज करने की, आपके प्रोडक्ट में चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट से यानी कि इस शैम्पू के साथ रिप्लेस करिए और देखिए कि आपको रिजल्ट क्या आता है। मैंने तो इस शैम्पू को बहुत इस्तेमाल किया है और आमतौर पर मैं सभी को रिकमेंड करती हूँ कि इस शैम्पू को यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप लोगों ने भी अगर इस्तेमाल किया है तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको ये शैम्पू कैसा लगा। धन्यवाद। जे आर सी एम।